everyone, welcome to Biology It Is. NEET 2023 examination day, 7th May को हर लड़के और लड़की का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, किस तरीके के ड्रेसेस आप लोगों को उस दिन पहनना अलाउड है, इसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 44 में भी ड्रेस कोड फॉर NEET 2023 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हालांकि वहां पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चा कन्फ्यूज ना हो कि मैं ये पहन के जाऊं या फिर नहीं जाऊं, वो कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कुछ कॉमन आइटम्स की, चाहे वो लड़का पहन रहा है या फिर लड़की पहन रहा है, कुछ कॉमन आइटम्स जो कि अलाउड है और कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स जो कि बिल्कुल भी नीट एग्जामिनेशन डे के दिन अलाउड नहीं है। सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोगों की आईसाइट वीक है और आप लोग स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मे पहनते हैं, तो वो चश्मे पहनना अलाउड है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं जो कि पावर वाले लेंसेज हैं, आप लोग उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिना आप देख नहीं पाते हैं, आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखता है, तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी अलाउड है। तो पावर वाले स्पेक्स या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज आर अलाउड। अगर आप लोग हियरिंग एड यूज करते हैं तो वो चीज भी आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं, चाहे उन ब्रेसेस में कोई मेटालिक आइटम क्यों ना हो बच्चे, आप लोग ब्रेसेस कैरी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो रखा है और आपने प्लास्टर पहना हुआ है तो वो अलाउड है। अगर फिंगर मुड़ी हुई है जिसकी वजह से फिंगर स्प्लिंट लगा हुआ है तो वो चीज भी अलाउड है। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट जिसके बिना आप लोग नीट का पेपर ढंग से नहीं दे पाएंगे, उसको पहनना आपको अलाउड है बच्चे। स्पेक्स के बिना आप पेपर ढंग से नहीं देख पाएंगे, आपके ब्रेसेस परमानेंट लगे हुए हैं, सिर्फ एक दिन एग्जामिनेशन देने के लिए आप लोग ब्रेसेस नहीं हटा सकते हैं, हियरिंग एड के बिना आप लोग कंफर्टेबली सुन नहीं पाएंगे, प्लास्टर और स्प्लिंट आप लोगों के लिए जरूरी है, कुछ भी ऐसी चीज जिसके बिना आपको लग रहा है कि आप पेपर ढंग से नहीं दे पाएंगे, वो चीज आप लोग कैरी कर सकते हैं। अब बात आती है टैटू की। अब काफी बच्चे हैं जिन्होंने परमानेंट टैटू बनवा दिया है, अब वो परमानेंट टैटू तो हटने से रहा बच्चे। अब नीट एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी ना तुम टैटू शॉप में जाओगे और परमानेंट टैटू हटाने का काम करोगे, तो वो परमानेंट टैटू भी अलाउड है। अगर आप लोग कस्टमरी ड्रेस पहन रहे हैं, सपोज अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप पगड़ी पहनते हैं, किरपान रखते हैं, या फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, आप हिजाब पहनती हैं या फिर बुर्का कैरी करती हैं, तो वो चीज़ भी अलाउड है बच्चे। अगर आप लोग कोई ऐसी कस्टमरी ड्रेस पहन रहे हैं जिसके बिना, जिसको उतारना आपके रिलीजन में अलाउड नहीं है, तो वो ड्रेस, वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोग कैरी कर सकते हैं। बस एक चीज़ करिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर मैक्स टू मैक्स 12:30 बजे तक पहुँच जाइएगा, ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो और फिर आप लोगों को अलाउ कर दिया जाए पेपर देने के लिए। तो ये कुछ कॉमन आइटम्स हैं जो कि एग्जामिनेशन डे के दिन अलाउड होंगे। अब कुछ ऐसे आइटम्स जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप लोग सनग्लासेस पहन रहे हैं, गॉगल्स पहन रहे हैं, देखो हम फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम पेपर देने जा रहे हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाथ पर ब्रेसलेट पहन रही हो, हैंड बैंड्स पहन रही हो, रिस्ट वॉच पहन रही हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेरे बच्चे। नेल पेंट लगाया हुआ है, रिमूव करके जाना। हो सकता है आप में से काफी बच्चों के घर में नीट एग्जामिनेशन से एक दो हफ्ते पहले या फिर एक महीने पहले किसी की शादी हो रही हो, तो आपने हाथों में मेहंदी लगाई होगी, प्लीज मत लगाना, कुछ भी ऐसी चीज मत करना जिसके वजह से तुम्हें ही डर लगा रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरी मेहंदी की वजह से मुझे अंदर एंटर नहीं करने दिया, क्योंकि काफी धुरंधर बच्चे होते हैं ना, उस मेहंदी के बीच में कुछ ना कुछ फॉर्मूले लिख के चले गए, कुछ भी ऐसी चीज लिख के चले गए जो कि उनके नीट के एग्जाम में उनको पेपर अटेम्प्ट करने में मदद करे। तो ऐसे कुछ काम मत करना जिसकी वजह से फिर तुम वो चेकिंग प्रोसेस में फंस जाओ और तुम्हें डांट पड़ेगी, पैनिक हो जाओगे, अच्छा खासा पेपर बन भी रहा होगा फिर नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये चीज भी हो सके तो प्लीज अवॉइड करना मेरे बच्चे। तो ये कुछ कॉमन आइटम्स जो कि आप लोग कैरी कर सकते हैं और जो कि कैरी नहीं कर सकते हैं। अब मैं जेंडर स्पेसिफिक होते हुए बात करती हूं, स्टार्टिंग विद ड्रेस कोड फॉर नीट 2023 फीमेल कैंडिडेट्स। यहां सर से शुरुआत करते हैं, यहां टॉप से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों के लंबे बाल हैं, जैसे मेरे भी थोड़े बहुत लंबे बाल हैं, तो अगर आप लोगों के ऐसे लंबे बाल हैं मेरे बच्चे, तो जाहिर सी बात है हम लोग अगर एग्जामिनेशन डे के दिन जाएंगे तो हम पोनी बनाकर जाएंगे। लेकिन नीट एग्जाम सेंटर में रबर बैंड्स अलाउड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ सेंटर्स में रबर बैंड के साथ भी लड़कियों को एंट्री मिल गई, लेकिन कुछ बच्चों के रबर बैंड रिमूव करा दिए गए। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप घर से तो पोनीटेल बनाकर जाएं, लेकिन हो सकता है वहां पर जाकर आप लोगों का रबर बैंड हटा दिया जाए, तो इस चीज के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ये जो प्यारी सी बच्ची दिख रही है ना, इस बच्ची की तरह बिल्कुल भी बनकर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने सबसे पहले तो रबर बैंड पहना हुआ है जो कि शायद एग्जामिनेशन सेंटर पर हटा दिया जा सकता है। अगर आप लोग क्लिप्स लगाते हैं सर पे, तो प्लीज रिमूव कर देगा बच्चों, क्योंकि ये क्लिप्स तो फॉर श्योर आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्रेंस में हटा दी जाएगी कि रिमूव करो और फिर एंटर करो। अब मैं फेस की बात करती हूं। अगर आप लोग मेरी तरह नोज पिन पहनते हैं या फिर ये कानों में इयररिंग्स पहनते हैं, ये घर से ही रिमूव करके जाना अलाउड नहीं है। चाहे गोल्ड का पहन रहे हो या कोई भी ऑर्नामेंट पहन रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आर्टिफिशियल पहन रहे हो, कैसा भी पहन रहे हो, अलाउड
इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के अपर वेयर की। जैसे मैंने ये सिंपल सी टी शर्ट पहनी हुई है ना बच्चे, ऐसे ही सिंपल टी शर्ट पहन के जाइएगा। जितनी प्लेन टी शर्ट पहन रहे हैं उतना ज़्यादा स्टेकिंग प्रोसेस में आप लोग फटाफट पास होते चले जाओगे। तो आप लोग हाफ स्लीव्स की सिंपल टी शर्ट पहनेंगे, 3/4 स्लीव्स मत पहनिएगा, फुल स्लीव्स मत पहनिएगा। अगर आपके टी शर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रिंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ ऐसी टी शर्ट को अवॉइड करिएगा, मत पहनिएगा। अगर आपकी टी शर्ट में बहुत सारे फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं, ऐसी चीज़ को भी अवॉइड करिएगा। कोई भी ऐसा प्रिंट जो कि आपको लगता है कि चेकिंग प्रोसेस के दौरान आपको देर तक रुकवा सकता है, उस चीज़ को अवॉइड करना। जितनी सिंपल प्लेन टी शर्ट पहनोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अपर वेयर में सिंपल प्लेन टी शर्ट विद हाफ स्लीव्स, 3/4 फुल स्लीव्स नॉट अलाउड। अगर आप लोग कुर्ती पहन रहे हो मेरे बच्चे, तो वो कुर्ती भी हाफ स्लीव्स की हो, 3/4 या फिर फुल स्लीव्स की कुर्ती बिल्कुल भी ना हो। कॉलर्ड टी शर्ट या फिर कॉलर्ड कुर्ती मत पहनिएगा, गोल गले या फिर वी नेक वाली आप लोग पहन सकते हैं, उसमें कॉलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। इसके साथ कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि कहती हैं कि मैम हमारे घर पे टी शर्ट या फिर टॉप पहनना अलाउड नहीं है, हम लोग कुर्ती पहन के जाएंगे और सलवार कुर्ती पहन के जाएंगे, तो क्या उसके साथ दुपट्टा कैरी करना अलाउड है? बच्चों एज पर माई नॉलेज, जितना मैं पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूं, दुपट्टा एग्जामिनेशन सेंटर पर मना कर दिया जाता है कि आप अंदर कैरी नहीं कर सकते। तो आप घर से भले ही दुपट्टा पहनकर चले जाओ, लेकिन इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि हो सकता है एग्जाम सेंटर पर आपको बोल दिया जाए कि आप लोग दुपट्टा अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसे कुर्ता पहनकर जाना जो गोल गले का हो और आपको अनकंफर्टेबल भी ना हो दुपट्टा हटाने के बाद, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो कि सोच रहा है कि नहीं मैम हमारे यहां तो फुल स्लीव्स की ही कुर्ती पहनते हैं, हमें हाफ स्लीव्स की कुर्ती पहनना अलाउड नहीं है, तो फिर आप लोगों की वो ड्रेस कस्टमरी कल्चरल ड्रेस के अंदर आ जाएगी। तो आप लोग 12:30 बजे के लिए चले जाइएगा, ताकि आप लोगों को वहां पर खुद को एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाए कि क्यों आप फुल स्लीव की कुर्ती विद दुपट्टा पहन कर आए हैं। अब मैं बॉटम वेयर की बात करूं, बॉटम वेयर में बच्चे सिंपल पैजामा, पैंट, केपरीज ये सब पहनिएगा, जिप वाला बॉटम वेयर मत पहनिएगा। जीन्स आप लोग नहीं पहनेंगे, कोई जॉगर ऐसा है जिसमें जिप लगी हुई है वो मत पहनिएगा, मेटल का बटन अगर आप लोगों की पैंट में लगा हुआ है वैसी पैंट मत पहनिएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइट फिटेड क्लोथ्स मत पहनिएगा, लेगिंग मत पहनिएगा, वो जिम वाले ट्राउजर्स टाइट वाले मत पहनिएगा। जितना हो सके लूज पैंट्स आप लोग पहन सकते हैं, जो प्लाजोज अगर आप पहन रहे हैं ज्यादा घेरे वाले प्लाजोज ना हो, सिंपल प्लाजो पैंट है तो आप लोग पहन सकते हैं, घेरदार कपड़े अलाउड नहीं है बच्चे। काफी बच्चे कहते हैं दी हम फ्रॉक पहन के चले जाएं, जंपसूट पहन के चले जाएं, ऐसी कोई भी चीज मत पहनो जिसकी वजह से तुम चेकिंग प्रोसेस में रुक जाओ। अगर तुम स्कर्ट पहनोगे उसमें बहुत ज्यादा घेरे हैं तो कहीं ना कहीं चेकिंग प्रोसेस में फिर फंस जाओगे बच्चे, वो बहुत चेकिंग में टाइम लग जाएगा तुम्हारा, तो ये चीज अवॉइड करना। सिंपल सीधे सादे कपड़े पहन के जाइए, एक सिंपल सी हाफ टी शर्ट पहनिए और उसके साथ एक लूज पैंट पहन के चले जाइए, कोई नई शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। घर पर नाइट ड्रेस में जो लूज कपड़े पहनते हो ना वही पहन के चले जाना, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं बच्चे कि हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। जितना सिंपल पहनकर जाओगे चेकिंग प्रोसेस उतनी जल्दी तुम्हारी निपट जाएगी और उतना जल्दी तुम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर कर पाओगे। अब मैं बात करती हूँ फुटवेयर की। फुटवेयर में लड़कियां प्लीज हाई हील्स वाली सैंडल्स बिल्कुल मत पहनिएगा। आप लोगों को कुछ इस तरीके की सैंडल्स पहननी है, या तो आप लोग ऐसे पहन लीजिए, बहुत लो हील्स वाली सैंडल्स पहन लीजिए, अरे घर के चप्पल पहन के चले जाओ, स्लाइड्स पहन के चले जाओ, फ्लिप फ्लॉप्स पहन के चले जाओ, कुछ ऐसे वाले जो चप्पल होते हैं वो पहन के चले जाएगी, हाई हील्स वाली सैंडल्स नहीं पहनेंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। यहीं पर ही अगर कोई कस्टमरी ड्रेस वाली लड़की आती है, बुर्का कैरी करते हैं, हिजाब कैरी करते हैं, या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां पर हाफ स्लीव्स 3/4 पहनना अलाउड नहीं है, 12:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, अपनी प्रॉपर चेकिंग करवा दीजिएगा, आप लोगों को अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लड़कों की। अगर मैं आप लोगों के भी ऊपर सर से बात करूं, तो आप लोग सर पर, अगर आप लोग सिख कम्युनिटी से हैं तो आप लोग टर्बन पहन सकते हैं, बस 12:30 बजे के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा बच्चे। फेस पर भी आप लोग कोई ऑर्नामेंट प्लीज बिल्कुल भी मत कैरी करिएगा, हाथ में कोई बैंड प्लीज बिल्कुल भी मत पहनिएगा। एक और चीज, जो भगवान जी वाला धागा होता है ना प्लीज वो भी रिमूव करके जाइएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पर ये भी कट करवा दिया जाए, तो इसको भी अपने घर से उतार के चली जाइएगा, ठीक है। लेकिन सिख कम्युनिटी का कोई बच्चा किरपान कैरी करता है, हाथ में कड़ा पहनता है, उन्हें लगता है उनके रिलीजन में इसको रिमूव करना अलाउड नहीं है, 12:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा कि क्यों आप ये कैरी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों के भी अपर वेयर में यही है बच्चे, जैसे क्यूट बच्चा है ना ऐसे बन के नहीं जाना है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट आप लोगों को नहीं पहननी है, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनिएगा, 3/4 या फिर फुल स्लीव्स की टी शर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बहुत सारे प्रिंट वाली टी शर्ट मत पहनिएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोगों के बॉटम वेयर और अपर वेयर में बहुत ज्यादा पॉकेट्स नहीं बने होने चाहिए। टी शर्ट में एक सिंगल पॉकेट है, आपके बॉटम वेयर में भी एक या दो पॉकेट से चलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉकेट वाली टी शर्ट या फिर बॉटम वेयर आप लोग नहीं पहनेंगे। सिंपल टी शर्ट
विद हाफ स्लीव्स, जितना कम हो सके उतने कम प्रिंट्स, ब्रांड का लोगो बना हुआ है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इतना तो चल जाएगा, ठीक है। बॉटम वेयर में जीन्स मत पहनना, कोई भी ऐसा पैजामा ट्राउजर मत पहनना जिसमें मेटल का बटन हो या फिर जिप लगी हुई हो। आप लोग घर पे जो पैजामे पहनते हैं ना, लूज नाइट ड्रेस वाले पैजामे, वो पहन के चले जाना, केपरीज पहन के चले जाना। जितना हो सके सिंपल बॉटम वेयर और अपर वेयर आप लोग रखेंगे। फुटवेयर में भी आप लोगों की बात करूं तो शूज मत पहनना मेरे बच्चे, घर के चप्पल पहन के चले गए, कुछ इस तरीके के स्लाइड्स पहनकर चले गए, शूज आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। तो ये है गर्ल्स और बॉयज के लिए नीट 2023 का ड्रेस कोड। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट है तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका कॉमेंट का रिप्लाई देते हुए आप लोगों के कंफ्यूजन में दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।